हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको एन मीडिया का जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका क्या यूज होता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिक। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एन मीडिया का ग्राफिक कार्ड है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वाड्रो लिख रहा है इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इसका यूज किस तरह अपने पीसी में किया जाता है और क्यों किया जाता है। दोस्तों यदि आप कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं और उसमें हाई डेफिनेशन क्वालिटी लाना चाहते हैं तो आपको ये ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, या आपको कोई बेसिक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड यूज करना होता है तब आप इस कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी आपको हाई डेफिनेशन वाली वीडियो आपको रन करना होता है तब भी आप इस ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ये रहा आपको कि इस कार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब दोस्तों इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जैसे डिस्प्ले ब्लर होना या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ना होना, डॉट डॉट स्पॉट वगैरह से आना TFT पे, ये इसका टेक्निकल फॉल्ट होता है। तो इसको कैसे आप रिजॉल्व करें वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरे पास एक खुला हुआ पीस है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक खुला हुआ पीस है। ठीक है, इसको ओपन करने का जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जितने भी स्क्रू हैं ये जो लैपटॉप की बिट आती है उससे आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये वन बाई वन आप इसको ओपन कर लेंगे। तो जब आप ओपन करेंगे तो इसके बाद ये देखिए इस तरह का कार्ड आपका ओपन हो जाएगा फाइनली। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें ये कुछ आईसी लगी हुई हैं जो कि इंटरनल आईसी होती हैं, इनको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, रैम का मतलब जैसे आपको पता ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि ये इस चिप को, जो ग्राफिक चिप है इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप किसी भी लिक्विड से इन रैमों को क्लीन कर लें, या पेट्रोल, जैसे पेट्रोल होता है या आईपी होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का जो आईपी है आप ये देखिए आईएसओ प्रोफाइल है, इसको आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, या ये देखिए पेट्रोल है, आप इस लिक्विड से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद दोस्तों इसमें कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉस्फेट लगे हैं, ये कॉयल्स हैं और ये यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। यदि आपका कोई कैपेसिटर डैमेज होता है, डैमेज मींस होता है ये कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से लिक्विड थोड़ा इसमें ब्रेक हो जाता है, लिक्विड लीकेज हो जाता है, तो आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आयरन के थ्रू। या ये जो आप फैन देख रहे हैं ये भी जाम हो जाता है जिससे इसको हीट सिंक को मतलब एब्जॉर्ब हीट नहीं कर पाता है, जिससे ये हमारा ओवर हीट होकर के ब्लर आने लगता है। तो आप इस फैन को भी क्लीन कर सकते हैं, डस्टिंग वगैरह इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हम इसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको क्लीन करके किसी भी लिक्विड से हम हॉट गन की सहायता से इसको ड्राई कर लेंगे और तब हम इसको चेक करेंगे। ये 110% ये आप देख रहे हैं इधर जो कंपोनेंट है कोई भी ओवरहीट ना हो तो आप चेक कर सकते हैं, टच करके भी चेक कर सकते हैं और मॉइस्चर वगैरह इसको क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज आपको दी गई है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज के किस तरह हम ग्राफिक कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए
इसका क्या प्राइस होता है दोस्तों, क्या नहीं होता है, कितना जीबी का होता है, तो यहाँ पे ये क्वाडो 4000 नंबर डालें और गूगल पे अधिक जानकारी के लिए सर्च कर लें। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह इसको हम यूज करते हैं और किस तरह कोई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है कैसे इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा ये चिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ये नॉट रिपेयरेबल होता है, क्योंकि ये चिप इंटरनल होती है और इसको हम दोबारा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लग तो जाती हैं बट इसमें 110% सॉर्टी नहीं रहती है, ये मुश्किल से 15-20% ही सक्सेज होती हैं। तो बेटर यही है दोस्तों, काफ़ी कॉस्टली लगती हैं तो कॉस्टली ना लगा के आप सीधा ही दूसरा ग्राफिक कार्ड परचेज कर लें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ही क्लोज करता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे दोस्तों टेक्निकल फॉल्ट के साथ, राजू THC के साथ।